जय श्री राम प्रेम भक्तों, हरि भक्तों को मेरा प्रणाम। दिन में इस समय माँ सरस्वती बैठती है जुबां पर, मुँह से बोली हर बात होती है सच। अर्थात प्रेमी भक्तों, ये बहुत ही सत्य और 100% श्योर बात है कि इस समय बोली जाने वाली हर बात, हर कथन, हर मंत्र सत्य हो जाता है। यानी आप कोई मंत्र भी बोलते हैं, किसी से प्रार्थना करते हैं, तो जरूर सत्य होती है। वो परमपिता परमेश्वर आपकी जरूर सुनता उस समय। ऐसा कैसे होता है प्रेमी भक्तों कि दिन, पूरा दिन एक होता है जिसकी शुरुआत होती ब्रह्म मुहूर्त से, अर्थात रात, रात्रि के समय से ही, यानी रात्रि खत्म होने के पश्चात जब दिन, रात्रि का तीसरा प्रहर होता है यानी ब्रह्म मुहूर्त का, उस समय उस दिन की शुरुआत हो जाती है एक तरह से। तो प्रेमी भक्तों, उसी समय आपको कुछ ना कुछ ऐसा बोलना पड़ेगा अपने लिए, जो आपके भीतर कुछ कमी है, आप किसी कार्य को सिद्ध करना चाहते हैं या प्रभु से किसी प्रकार की मांग रख रहे हैं, या आप ऐसा कुछ कार्य करना चाहते हैं जिसको आप सफल करना चाहते हैं। देखिए, उसको हम डिटेल में बताते हैं आपको, और उसको किस प्रकार से उस प्रभु से मांगना आपको, और किस प्रकार से बोलना है कि आपको वह बहुत ही कम समय में मिल जाए, यानी एक दो दिन में वो बात सिद्ध हो जाए। अब देखिए कि आपको ऐसा करना है प्रेमी भक्तों कि आप जब ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, देखिए समय तो है आपके लिए कि 3:05 से लेकर 3:05 से लेकर 3:15, यानी ये 10 मिनट का समय मैं बता रहा हूँ। एक इसके अलावा 3:20 से लेकर 3:30 तक का भी समय है, 10 मिनट का, दो समय है जिससे दोनों समय से आपको कोई भी समय पकड़ सकते हैं, मगर ये 3:05 से लेकर 3:10 का अच्छा समय रहेगा आपके लिए। अब देखिए, आपको ऐसा नहीं कि आपको उठ के नहा धो के तैयार होकर ऐसा बैठना है फिर पूजा ध्यान करना है, ऐसा नहीं। जब भी आप उठ जाते हैं या फिर आप थोड़ा सा समय दीजिए अपना आपको और कुछ अलार्म लगा के सो जाइए उस समय, यानी 3:05 में आप जैसे ही उठते हैं वो चीज़ मांगे प्रभु को। पहले धन्यवाद देना आपको बहुत ज़रूरी है, परमपिता परमेश्वर को आप पहले धन्यवाद दीजिए, हे प्रभु आपने मुझे वापस उठाया इस निद्रा से, तो आपको तहे दिल से शुक्रिया और मुझे इतना अच्छा जीवन दिया, मेरी हर हर समस्याएं और हर व्यवसायिक रूप से या कि आर्थिक रूप से और मेरे सामाजिक और पारिवारिक रूप से जितनी भी समस्याएं हैं जो आप निरंतर ठीक करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, मुझे ऐसी आशा है। तो प्रभु को आपको धन्यवाद दे दिए देना है ऐसे। देखिए, धन्यवाद देने से क्या होता है कि प्रभु, आप उठते ही किसी को धन्यवाद दे देते हैं तो क्या प्रभु भी आपसे कनेक्ट होने में ज़्यादा समय नहीं लगाता है, वो तुरंत आपकी सुन लेता है। अब देखिए क्या होता है कि आपको 3:05 उठना है, तो आपको कोई भी बात आपको प्रभु से कह देनी है, यानी आपका कोई भी अटका हुआ कार्य है, ऑफिस में कुछ किसी प्रकार का कार्य है, तो आपको उसी समय कहना है। देखिए, और कहनी भी ऐसी बात है जो हो सके, आपको ऐसा नहीं कहना है कि कुछ आपने ऐसा कुछ कह लिया कि प्रभु मैं उस चीज़ में इतने रुपए लगा बैठा हूँ, मुझको तुरंत लाभ हो जाए, 10 लाख का, 20 लाख का, करोड़ों रुपए मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको वह चीज़ मांगनी है जो प्रभु के प्रभु को भी देने में सहजता हो, अर्थात उन्हें कुछ दिक्कत ना हो। वो देने में तो सब कुछ दे देगा आपको, मगर ऐसी चीज़ मांगिए ना जिसको देने में बिल्कुल प्रभु को भी आनंद आए, ठीक है। तो आपको जैसे कि आप कहीं पर आपकी सैलरी जैसे 5,000 है इंक्रीमेंट, तो आप चाह रहे हैं कि प्रभु उस जगह मेरी जैसे 8,000 सैलरी हो जाए, 9,000 सैलरी हो जाए, तो कुछ इजाफा हो जाए, ऐसा आपको देखिए इस समय पे उठकर आपको मांगना है प्रभु से कि प्रभु मेरे जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है, स्वास्थ्य संबंधी भी मैं एकदम स्वस्थ हूँ, निरोगी हूँ, और परिवार संबंधी भी सब ठीक है, लेकिन कुछ एक आध ऐसी समस्याएं हैं जो कि मेरे व्यवसायिक रूप से थोड़ा सा मेरी कंडीशनल हालत से थोड़ी सी अलग है, अगर उसमें कुछ इजाफा हो जाए तो मेरे जीवन में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, ऐसा कुछ ऐसा बोलिए प्रभु से। तो आपकी वे देखिए, बोलने का भी तरीका होना चाहिए कि प्रभु से आप कुछ चीज़ मांग रहे हैं तो किस तरीके से मांग रहे हैं, किस सहज भाव से मांग रहे प्रभु से, वो भी आप कि तुरंत भाव से सुन ले, वो उसमें या ना विलम्ब ना लगाए। और देखिए, 3:05 से लेके 3:15, देखिए इस समय तो क्या होता है कि माँ सरस्वती आपके मुख पर स्वयं विराजित होती, क्योंकि आपके दिमाग में, मस्तिष्क में कुछ भी नहीं होता है, आप जैसे उठते हैं एकदम सटीक आप चेतन हो जाते हैं,
कि नहीं हाँ आप मुझको वह चीज़ मांग रही हो प्रभु से, मैं तुरंत मांग लेता हूँ। उसी चीज़ पर आपका कॉन्सेंट्रेट जाता है, सीधा प्रभु से आप कनेक्ट होइए, और प्रभु से कनेक्ट होते ही आप वह चीज़ आप उनके समक्ष रख दीजिए कि प्रभु ऐसी ऐसी बात है, ऐसी दिक्कत आ रही है मेरे जीवन में, तो आप उससे जल्दी ही समस्या का निदान कीजिए। इस तरह से आपको मांगना है, वैसा का वैसा ही आप उस समय यानी 3:25 से लेके 3:30 इस समय भी आप कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा कष्ट नहीं है कि नहीं इस समय किसी भी समय कर सकते हैं, मगर इन दो समय में ही करना आपको। अब देखिए आपको मांगने के पश्चात, अब देखिए काफ़ी जन ऐसे होंगे कि उनको एक दिन दो दिन हो गए, देखिए थोड़ा समय से कुछ एक ऐसी चीज़ होती है कि मन भी मानने में समय ले लेता है उसको। देखिए कि आपका मन है ना, उस चीज़ को मानना भी चाहिए, जो चीज़ आपने मांगी है तो उसको आपके अवचेतन मन में बिठाने की कोशिश कीजिए कि हाँ ये चीज़ हो गई अब मेरे साथ हो गई, यानी मैंने कुछ मांगा था प्रभु से वे हो चुका, अब आप निसंकोच होकर बैठ जाएं। अब फिर वह जो आपने बोल दिया है प्रभु को, प्रार्थना भेज दी है, एक तरह से लेटर भेज दिया उनको, तो अब वो आगे का कार्य है, जो प्रभु जाने उनका कार्य जाने, वो हो चुका आपके लिए, तो आपने पूर्ण कर दिया। अब वो दिक्कत, अब वो समस्या किसकी है, किसको करना है या नहीं करना, वो प्रभु की समस्या। आप उन पर निस्वार्थ भाव से विश्वास करें और आप उस परमपिता परमेश्वर का कार्य उसको करने दें। ठीक है प्रेमी भक्तों, अगर आपके ही जीवन में कुछ ऐसी समस्या हो कि आपको कहीं ना कहीं से कुछ दिक्कत आ रही है, तो देखिए कहीं तो आपको स्ट्रगल भी करना पड़ेगा कि नहीं हाँ सुबह जल्दी उठना पड़ेगा इस कार्य के लिए, बिल्कुल उठना पड़ेगा। देखिए जहाँ पर आपको किस चीज़ की मांग आ रही है, तो आप पर उस जगह कुछ ना कुछ त्याग जरूर करना पड़ता है। उस जगह आप मान के चलिए कुछ ना कुछ आपको त्याग, आलस्य त्याग करना पड़ेगा, देखिए सर्वप्रथम निद्रा त्याग करनी पड़ेगी, कुछ ना तो कुछ, क्योंकि आपके आप स्वयं अपने फायदे के लिए बात कर रहे हो, तो आपको आप अपने लिए कुछ ना कुछ त्याग करना तो पड़ेगा उस समय। तो प्रेमी भक्तों इसी तरह से आपको ये कार्य करना है। अगर आपके मन में कुछ ऐसी चीज़ है तो आप पूछ सकते हैं, और कमेंट में आप अच्छे कमेंट करें, जैसिया राम हमें बोले, और आपके ही समक्ष ऐसी कुछ समस्या है तो हमें ज़रूर पता है, ताकि हम उसे निदान कर सकें। तो प्रेमी भक्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जय सियाराम आपका सहयोगी चैनल हमारे चैनल का नाम है। तो प्रेमी भक्तों हम आपसे मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, जय सियाराम, धन्यवाद।